आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी और यूपी की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांवड़ यात्रा के संबंध में सीएम योगी के फरमान को लेकर वो भड़क गए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कतर, सऊदी अरब, ईरान के मुसलमानों से खरीदा गया तेल कांवड़ डीजे और पुलिस वैन में भी इस्तेमाल नहीं होगा। संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, चुनाव हारने के बाद बीजेपी का पीडीए के खिलाफ अभियान, योगी ने जारी किया फरमान, दुकान पर नेम प्लेट लगाना होगा, बीजेपी वाले दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों की दुकान से नहीं खरीदेंगे कोई सामान। कतर, सऊदी अरब, ईरान के मुसलमानों से खरीदा गया तेल कांवड़ डीजे और पुलिस वैन में इस्तेमाल नहीं होगा। उन्होंने एक दूसरे पोस्ट में बीजेपी को घेरते हुए कहा, बीजेपी के नेता आदिवासी युवक के सिर पर पेशाब करते हैं, दलित को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते, प्रभु श्री राम के नाम पर चंदा चोरी करते हैं, अवधेश पासी जी के जीतने पर उन्हें गालियां देते हैं, अखिलेश जी के मंदिर जाने पर गंगा जल से मंदिर धुलवाते हैं। उन्होंने आगे कहा, बीजेपी की नस नस में नफरत भरी हुई है। योगी के फैसले के बाद भाजपाई दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों का नाम पढ़कर दुकान से सामान खरीदेंगे। इंसान को इंसान समझो योगी जी। बता दें कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत 22 जुलाई से होने जा रही है। यात्रा शुरू होने से पहले पुलिस ने रास्तों में पड़ने वाले सभी दुकानदारों को जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले सभी दुकानदारों को अपनी दुकानों पर मालिक और यहां पर काम करने वाले लोगों का नाम लिखना जरूरी कर दिया गया है। इसके साथ ही यात्रा के दौरान इस्तेमाल होने वाले डीजे की हाइट भी तय कर दी गई है। मुजफ्फरनगर में यात्रा मार्ग पर खाने पीने का सामान बेचने वाले ठेले पर प्रशासन ने दुकानदारों के नाम टंगवा दिए हैं। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस और AIIM ने विरोध किया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सरकार के आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता ने कहा, सिर्फ राजनीतिक दलों को ही नहीं, सभी सही सोच वाले लोगों और मीडिया को इस तरह प्रायोजित कट्टरता के खिलाफ उठ खड़े होना चाहिए। हम बीजेपी को देश में अंधकार युग में वापस धकेलने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। इसी तरह की और जानकारी के लिए बने रहें इंस्टा फीड के साथ। हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन जरूर प्रेस करें।